आप देख रहे हैं जनसंसद लाइव, जनजन की बात जनजन के साथ। इम्पार्टिंग एजुकेशन फ्रॉम लास्ट 15 सक्सेसफुल इयर्स, अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, अरावली नॉलेज कैंपस एट उमेरा उदयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर 9414164115 एंड 9001895904। Our email ID is info@aravlieeducation.org. For more information, please visit our website www.aravlieeducation.org. अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, कोर्सेज ऑफर्ड बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा इन एसएस पॉलिटेक्निक कॉलेज। For details, contact SS Hills, Jamar Kotla Road, Umbra, Udaipur. Contact. कोरोना वायरस से दुनिया मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। कुछ लोग मनोरंजन या पैसा कमाने के गर्व से काले हिरण का शिकार कर रहे हैं। पड़िया गांव, जो बिहार के रोहतास जिले में है, थाना बघेल, उस वक्त हलचल मच गई। ग्रामीणों ने गोली की आवाज सुनकर बाहर निकले, एक काला हिरण को तड़पते हुए देखा। इस काले हिरण का दोनों सिंग काट लिया गया था। गोली चलाकर तीन लोग भाग रहे थे। गांव वालों ने मुस्तैदी दिखाई और दौड़कर एक व्यक्ति को दबोच लिया। दबोचने पर पता चला कि बघेल गांव का थाना का ड्राइवर है। वो अपना रुआब दिखाने लगा। गांव वाले की वीडियो क्लिप वायरल हो गई। डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी ने मामले की संज्ञान लिया और इसकी गिरफ्तारी हुई है। काला हरण संरक्षण अधिनियम धारा 1972 के तहत अपराध माना जाता है। तो प्रेस के नीचे क्या घटना घटी अभी सर? इस घटना का संबंध में कुछ नहीं कह सकते, इसकी जांच प्रक्रिया हम करते हैं, जांच के बाद कुछ बताएं। यानी क्या हुआ है? जांच किसका जांच कर रहे हैं? एक हिरण का। हिरण किसी ने मार दिया है? जख्मी हालत में प्राप्त मिला है या मृत? हमको मृत हालत में हॉस्पिटल में मिला है। अच्छा, हॉस्पिटल में मृत हालत में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वाल्मीकि सिंह जी। वाल्मीकि सिंह क्या है वहाँ पे? हम फॉरेस्टर हैं। फॉरेस्टर, पोस्टमार्टम उसका हो गया है? नहीं जी, नहीं अभी। क्या है, डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर हैं, कार्यवाही चालू है। काला हरण विलुप्त है। ये भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। रेंजर सत्येंद्र शर्मा ने विभाग की लापरवाही से इनकार किया। जब उनसे पूछा गया कि जंगल में पानी की कमी की वजह कर गांव की तरफ हरण आ रही है, उन्होंने कहा बहुत जल्द ही बिहार सरकार की जमीन पर पानी की व्यवस्था करने वाले हैं। तो ये गांव के हिसाब से दिया गया? अभी तो गवर्नमेंट बताएगी। नहीं, आपके यहाँ 52 जो है सर, आपके यहाँ वो स्ट्रेंथ से भी अभी कम। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग होंगे? किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं रहते हैं, उनके लिए हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके अनुसार पूछती हूँ। अब चूँकि अभी कोरोना का ही चल रहा है, इसलिए अभी उसमें सबको एक जगह कहीं भी ड्यूटी नहीं लगाई गई। नहीं नहीं, ड्यूटी सब लोग कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर खास जगह पर आप रहिएगा ऐसा नहीं, जहाँ जरूरत पड़ेगा तुरंत आपको पहुँच जाएगा जी। तो ये इसमें लापरवाही मानेंगे हम लोग? जी नहीं, लापरवाही बिल्कुल नहीं। किस चीज़ की लापरवाही आप कहना? लापरवाही इसलिए कि पीने का पानी व्यवस्था नहीं हुआ इनको, जानवर चलाया। नहीं ऐसी नहीं, ये संजोग है कि आपके इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये जो है भगवान का देन है कि काफ़ी संख्या में आया है और इससे इस इलाके का उत्थान होगा। हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके हर चीज़ के लिए सरकार से प्रयत्नशील हैं
देख रहे हैं, इनको बचाने के लिए जगह जगह साइन बोर्ड वगैरह भी लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी होता है। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग इनके लिए सरकारी ज़मीन पर जहाँ जगह मिले पानी वगैरह की व्यवस्था और इसके समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम लोग। अभी गिनती में कितने हैं? गिनती इसकी हुई नहीं है, अभी गिनती हुई नहीं है। अब गिनती होने की प्रक्रिया है, भिन्न भिन्न इलाकों में है जी, अपने सासाराम से लेकर के बक्सर है उधर, उसके बाद में विक्रमगंज रेंज है, सासाराम रेंज है, विक्रमगंज रेंज है, फिर उधर आपको बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, सब जगह। समय रहते काले हरण का जनगणना नहीं होता है तो ये जातियां खत्म हो जाएंगी और धंधेबाजों के बारे न्यारे हो जाएंगे। जनसंसद लाइव के लिए डेहरी ऑन सोन से कमाल और मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।